तो फिर से स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पे। तो आज के वीडियो में जो है हम ऐसे पांच वेबसाइट्स के बारे में बात करेंगे जो एक मैकेनिकल इंजीनियर ने अपने ज़िंदगी में कम से कम एक बार तो विजिट करनी चाहिए। तो इस वीडियो के एंड तक हम आपको ऐसे पांच अच्छी वेबसाइट्स के बारे में बताएंगे जिसमें आप डिज़ाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और न्यूज़ अपडेट्स के बारे में जान सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना और ऐसे ही और मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की हमारी जो पहली वेबसाइट है वो है ASME। तो ये है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्रियल कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, जो कि डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स हैं, मशीन स्टैंडर्ड्स हैं, बहुत सारे इन्फो जो है आपको इस वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी। फिर इसके बाद में देखिए अबाउट स्टैंडर्ड्स में हिस्ट्री ऑफ मिल जाएगी आपको, स्टैंडर्ड्स मिल जाएंगे। फिर उसके बाद में सर्टिफिकेशन से, लर्निंग डेवलपमेंट से, पब्लिकेशन सबमिशन से, कॉन्फ्रेंस इवेंट से, और आप यहाँ पे जो है ASME की मेंबरशिप भी गेन कर सकते हैं। ASME की मेंबरशिप एक वन ऑफ दी क्रूशियल मेंबरशिप भी मानी जाती है, जैसे आपके पास अगर ASME की मेंबरशिप हो तो वैसे ही आपके पास अगर ASME की भी मेंबरशिप हो तो प्लस पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद में सेकेंड वेबसाइट जो है हमारे पास वो है इंस्ट्रक्टेबल्स। तो इस वेबसाइट पे जो है अब आप यहाँ पे आके अलग अलग प्रोजेक्ट्स के बारे में जो है इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं और अलग अलग प्रोजेक्ट आइडियाज जो है आप ले सकते हैं। तो अगर आपको जैसे यहाँ पे दिखाने जाए तो देखिए क्रिएट अ वेब सर्वर यूजिंग ESP01, तो ये एक आर्डिनो बेस्ड प्रोजेक्ट है। ऐसे अलग अलग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, आइडियाज मिल जाएंगे, जिसकी मदद से आप जो है अपने कॉलेजेस में अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमारी थर्ड वेबसाइट जो है वो है ग्रैपटेक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पे दुनिया भर में अलग अलग कोनों से डिजाइनर्स ने, लोगों ने अपने जो है अलग अलग डिजाइन इस वेबसाइट पे अपलोड कर रखे हैं। तो यहाँ पे जाके आप कोई भी एक वेब डिज़ाइन जो है सॉफ्टवेयर, जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते होंगे, सॉलिड वर्क्स, क्रियो, कटिया, उन सब के जो है आपको अलग अलग कैड मॉडल्स देखने को मिल जाएंगे कुछ इस तरह से। देखिए यहाँ पे ये 3D मॉडल है, ये कार का 3D मॉडल, इन सबको जो है आप फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हो और इनको आप अपने कैड सॉफ्टवेयर में ओपन भी कर सकते हो। इतना ही नहीं तो यहाँ पे आपको जो है अलग अलग ट्यूटोरियल भी मिल जाएंगे अलग अलग सॉफ्टवेयर के ऊपर, जैसे ये है ये ड्रोन का सॉफ्टवेयर, फिर उसके बाद में ये जो है ये सॉलिडवर्क्स का डिज़ाइन है, ये भी एक सॉलिडवर्क्स की असेंबली मोशन, इन सब के ट्यूटोरियल जो है आपको यहाँ पे फ्री में अवेलेबल। ठीक है, इसके बाद में है थर्ड वेबसाइट जो है आई मैकेनिक। ठीक है, तो जैसे आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, आई मैकेनिक एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे दुनिया भर में अलग अलग रिसर्चर्स और इंजीनियर्स अपनी जो है आर्टिकल्स और ब्लॉग्स, जो भी हो इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है इस ऐप पे और इस वेबसाइट पे जो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। आप भी यहाँ पे अपना अकाउंट फ्री में क्रिएट कर सकते हैं और आप यहाँ पे जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आ रहे हैं, जो भी आर्टिकल्स रिसर्च पेपर्स आ रहे हैं, उनके बारे में जो है फ्री में पढ़ सकते हैं। इतना ही नहीं, आप अपने जो आर्टिकल्स या इंफॉर्मेशन, जो भी अपने आइडियाज है, आप इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करके अपने लोगों के साथ जो है डिस्कशंस करके उनके सजेशंस भी ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे अपनी कम्युनिटी में या अपने ब्रांच में बहुत सारे कनेक्शंस डेवलप करके अपने कम्युनिकेशंस को बहुत ज़्यादा वास्ट करके बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है अपनी लास्ट वेबसाइट, फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो ये वेबसाइट जो है ये हमारी कंपनी की वेबसाइट है, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि आप अलग अलग मेटल पार्ट्स या प्लास्टिक पार्ट्स जो है मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, वो भी घर बैठे बैठे चंद थ्री स्टेप्स। तो जैसे कि हमने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है कॉलेजेस में, जिनके कॉलेजेस जो है सिटी से थोड़े आउटसाइड होते हैं, तो उनकी वजह से क्या होता है कि उनको इंडस्ट्रियल एरिया के पास जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और अगर वो इंडस्ट्रियल एरिया में चले भी गए तो वहाँ पर जो है वेंडर उनको बहुत ज़्यादा वर्कलोड है बोल के उनका काम टाल देते हैं, और अगर उन्होंने उनका वर्क एक्सेप्ट भी कर लिया तो वो जस्ट एक स्टूडेंट है ये समझ के उनके काम को वो ज़्यादा लाइटली ले लेते। तो इसके वजह से ये हमारी कंपनी जो है ऐसे स्टूडेंट्स को अलग अलग दिक्कतों में या सिचुएशंस में हेल्प करती है, जहाँ पे आप सिर्फ तीन स्टेप्स में आप कोई भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और आपको आपकी जॉब की होम डिलीवरी मिल जाएगी और आपको आपकी पेमेंट है उससे बात करनी है तो यहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस और ट्रस्ट इश्यूज की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।